नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस की बोगी के ब्रेक जाम होने से धुआं उठने लगा, जिससे यात्रियों अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गुरुवार को हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ब्रेक की मरम्मत की गई और 20 मिनट बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस दोपहर करीब 12:40 पर हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंची तो ट्रेन की बोगी के ब्रेक में लगी रबड़ जलने लगी, जिससे धुआं उठने लगा और वैक्यूम ब्रेक जाम हो गया। चालक ने धुआं निकलता देख रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन को रोक दिया, जिससे पीछे चल रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्रभावित हुई, जो कि 10 मिनट की देरी से पहुंची। बिना स्टॉपेज के ट्रेन को हापुड़ में रोका गया था, जिसके बाद अधिकारी और आरपीएफ के जवान बोगी पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने रबड़ को बदलकर ब्रेक और पहिए को ठीक किया। इसके बाद ट्रेन 20 मिनट तक खड़ी रही और आगे के लिए रवाना हुई।